जैसा कि आपको पता है, पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय बिहार की कराकाट लोकसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अपने विरोधियों को अपने बयानों से अटैक पर अटैक कर दिए जा रहे हैं। हर चैनल्स पर अपने धड़ल्ले से इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच वो कराकाट की अपनी प्रिय जनता को इमोशनल भी कर रहे जा रहे हैं, साथ ही साथ खुद भी इमोशनल हो रहे हैं। दरअसल पवन सिंह अपनी एक कराकाट की जनता के लिए चुनावी संबोधन कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं जो भी बोलूंगा उस पे भरोसा रखिएगा कि कौनवा समय पे आके ये नहीं बोल रहा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा और हर भाई के काम में आऊंगा, हर सुख दुख में शामिल होऊंगा। अगर बोल रहा हूँ तो अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन काम में जरूर आऊंगा। बता दें कि पवन सिंह ने कुछ दिन पहले अपने विरोधियों को जवाब देते हुए ऐलान किया था कि अब जहां माई के हमारा देश मिल गिल होके, तो या तो मैं ही जानता हूं, नहीं तो भगवान जानते हैं। यहां की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहां दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा, बाकी बैक होने का काम न मैं जीवन में कभी किया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, जैसे जैसे कराकाट का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पावर स्टार पवन सिंह पर बीजेपी की तरफ से दबाव की राजनीति तेजी से की जा रही है, ताकि वो कराकाट के चुनावी रण से कैसे भी पीछे हट जाएं। लेकिन पवन सिंह हर तरफ एक ही हुंकार भर रहे हैं कि वादा कर रहा हूँ और मैं अपने माताओं बहनों से ये बोल रहा हूँ कि हम आप सबके बीच में रहब, यही काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ही पवन सिंह जमीन ली है, घर बनवाई है, हाँ। अपने जनता के साथ ही रही है। खैर, पवन सिंह के काराकाट के चुनावी मैदान से पीछे हटने की तमाम बातें होने का एक कारण ये भी है कि पवन सिंह आसनसोल के चुनावी मैदान से अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए बहुत जल्द यानी चंद घंटों के भीतर पीछे हट गए थे। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।